क्या होगा कल हम लोग माननीय अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करके सभी विपक्षी दलों ने आग्रह किया कि जो काला दिन 23 मार्च को जो घटना हुई थी उसको लेके कम से कम बहस चर्चा कर जाए, जिसमें सब पार्टी को अपने तरीके से बोलने का मौका मिलता, टाइम अलॉट। हम लोग सब लोग चाहते हैं कि हाउस सदन चले, और पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसा आसन ने कहा वैसा हम लोगों ने किया। कल भी जब हम खड़े हुए प्रस्ताव के लिए, आसन ने कहा कि आपको प्रस्ताव रखने का मौका मिलेगा, लेकिन आज शोक है, इस वजह से आप कुछ नहीं कर सकते। हमने कल लिखित में भी नियमावली का हवाला देते हुए प्रस्ताव रखने का मौका मांगा, जो आज सदन में स्वीकृत किया गया और सुझाव के रूप में कि आप ऐसे ही बोल लीजिए, लेकिन प्रस्ताव रखने का मौका आपको अस्वीकृत किया जा सकता। अब नेता विपक्ष के सब लोग एक सुर से मांग कर रहे हैं इतनी छोटी सी बात को लेकर कि बहस होनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति तो नहीं। अब बहस और चर्चा से वही लोग भागते हैं जिनके मन में बेईमानी होता है या जिन्होंने गलती की होती है, यानी सत्ता पक्ष भाग रहे। आज सारा चीज जो है मंत्री जी ने अध्यक्ष महोदय पर फोड़ा कि इनके हस्तक्षेप से ये सारी चीज़ें हुई हैं, सरकार कोई चीज़ नहीं हुई। लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता और हम सब इतने बेवकूफ नहीं है कि बिना नीतीश कुमार जी के मर्जी से चले। हमने आज आसन पे विश्वास भी जताया और पूर्व में भी बोला कि हमको विश्वास है, लेकिन अब कहीं ना कहीं से हमको संदेह हो रहा है कि स्पीकर महोदय मात्र जो है नीतीश कुमार की कठपुतली बनकर के रहे। नीतीश कुमार जी जैसा चाहते हैं वैसा हो, ये पूरी तरीके से हमको ये बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब ये बात आई है, ना जनता की सुनवाई होती है ना कार्रवाई होती है। शिक्षा, पढ़ाई, सिंचाई, सब कुछ जो है, बेरोजगारी, सब कुछ, महंगाई, सब कुछ चरम सीमा पर है, कोई कार्रवाई नहीं होती। अलग अलग विषय हम लोग उठाने का काम करते हैं, लेकिन जो बार बार ये फैसला आता है कि भाई आप जनता के मुद्दे उठाइए, विरोध कहिएगा, हमने कोई गलत तो नहीं कहा। वही 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये सरकार जो है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का नहीं, मतलब कानून का राज नहीं बल्कि पुलिस का राज है। हाई कोर्ट ने कहा कि माइंडलेस गवर्नमेंट। वाकई में जब हाई कोर्ट कह रही है कि यहाँ कानून का राज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है और हाई कोर्ट कह रही है माइंडलेस गवर्नमेंट है, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार जो है कैसे चल रहा है। अब जब हम सब लोग फिर से पुनः आज हमारे प्रस्ताव रखने का जब मौका नहीं मिला, स्वीकृति नहीं दी गई, ऐसे ही अनौपचारिकता से बोलने का मौका, हमको कुछ सुनाना तो आपको चाहते तो ऑन रिकॉर्ड है, बहस में आई बातें, किसकी गलती है, किसके कार्रवाई से ये सारा हादसा हुआ, कि कौन गुनहगार है, सब सामने आता। हमको जो ठीक लगता हम बोलते, सत्ता पक्ष को जो ठीक लगता वो बोलते, जनता जो है मालिक वो डिसाइड करती भाई क्या माता है। लेकिन आप एक बात समझिए कि आज फिर से हम लोगों ने अनुरोध किया था स्पीकर महोदय से, स्पीकर महोदय ने कहा ठीक है, सदन में उठाएंगे, उठाने के बाद भी सभी विपक्षी दलों को आश्वासन देने के बाद भी पढ़ अंदर जाते। अब हम सब लोग फिर से बैठे और निर्णय लिए हैं कि जहां जनता का सुनवाई और कार्रवाई नहीं होता, जहां पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई पर चर्चा नहीं होती, जहां जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं, जहां लोकतंत्र नहीं बचा, तो हम सब लोगों ने एक अहम फैसला लिया कि ऐसे जगह जहां कुछ लोग विधानसभा को अपनी जागीर समझ रखे हैं,
लोकतंत्र का जिन्होंने हत्या किया है, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती या जब तक कार्य मंत्रणा की बैठक नहीं बुलाई जाती, जब तक हमें बहस का मौका नहीं मिलता, तब तक हम लोग जो है इस सत्र में पूरे विपक्षी दल के लोग बॉयकॉट करेंगे और सदन नहीं जाएंगे। तो आइएगा, नहीं परिसर में नहीं आइएगा, परिसर में, परिसर और विधानसभा में जाने में बड़ा अंतर। हम लोग पूरी तरीके से सदन के अंदर बॉयकॉट हम लोग कर रहे हैं सत्र, संपूर्ण विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष। लेकिन हमारा शर्त है, अगर बहस कराई हम लोग चलेंगे। भाई जनता की बात, जहाँ जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं होता, ये अधिकारी आप लोग का मन बढ़ा हुआ है, मन बढ़ा रहे। और ये हम तो नहीं कह रहे, उनके मंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री के आसपास वाले जितने अधिकारी हैं सबका जांच कराई जाए संपत्ति। तो हम लोग सब लोग चाहते हैं और ये हम लोगों ने निर्णय लिया, वो हम सोचा आप लोग। नुकसान तो जनता का ही होगा, जातीय जनगणना पर आपका दूसरा प्रस्ताव था, नुकसान क्या जनता का, जब जनता का सुनवाई करवा ही नहीं, और आप लोग सुनते नहीं, शांति नहीं सुनी जा रही है तो क्या फायदा है। शांतिपूर्ण हिस्सा लिया हम लोगों ने, दो बार सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो रही है, वहाँ क्या करेंगे हम, मैदान छोड़ देंगे। बिल्कुल मैदान नहीं छोड़े हम, बिल्कुल मैदान नहीं छोड़े। आंदोलन दो बार हिस्सा लिया कार्यवाही में, कुछ होगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है, तो लोकतांत्रिक तरीके से ना होगा क्या? तानाशाह रवैया अपने, आप कहीं भी जाइएगा जहाँ न्याय की उम्मीद हो वही ना जाइए। यहाँ तो हाईजैक कर लिया गया, स्पीकर ही को हाईजैक कर लिया गया। आपका दूसरा प्रस्ताव था जातीय जनगणना को लेकर, आप क्या चाहते हैं, कमेटी बने, दिल्ली जाए प्रधानमंत्री? अरे भाई, जब दोनों बार ये सदन सर्वसम्मति से पास करा ही दिया और उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, डबल इंजन की सरकार है तो किस बात की डबल इंजन की सरकार है भाई? या तो कमेटी बनाए, हम लोग चलते हैं वहाँ, और नहीं कमेटी बनाना तो राज्य सरकार अपने पैसों से करे। तब मंच।